हेलो दोस्तों, नमकीन किचन में आपका स्वागत है। आज हम नमकीन किचन में पितृपक्ष के उपलक्ष में बहुत सारे पकवान बनाए हैं, तो चलिए हम आपको दिखलाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि हम पितरों के लिए सबसे पहले अपने पीछे जा रहे हैं, तो पीछे हमारे कोहड़ा के पौधे लगे हुए हैं जिसमें से हम कोहड़ा के पत्ते तोड़ ले रहे हैं, क्योंकि कोहड़ा के पत्ते पर हम निकालते हैं पितृ लोगों को भोजन। या तो हम केले के पत्ते पे निकालते हैं, अगर वो भी नहीं मिला तो हम नेनुआ जो होता है, नेनुआ यानी तिरोई के पत्ते पे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमने ये पत्ते को तोड़ लिया है और मैं 5 पत्ते तोड़ूंगी, क्योंकि 5 पत्तों पे मुझे निकालना है। लोग कहते हैं कि एक कुत्ते को निकलता है और एक चींटी को निकलता है, एक गऊ को निकलता है और एक कौवे को निकलता है, और एक जो पितर होते हैं उनके नाम से भोजन निकलता है, उसके बाद ब्राह्मण भोज होते हैं, उसके बाद ब्राह्मणों को भोज करा के खुद आप खाइए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने इतने सारे पकवान बनाए हैं और सब मैं थाली सजाई हूँ, तो ये सब का मैं वीडियो ले ली हूँ कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ आप बना सकते हैं पितरों के लिए। तो मैंने यहाँ पूड़ी और ये कचौड़ी बनाई है, सेवइयाँ बनाई हैं, और मैंने गुलाब जामुन रख दिया है, और मैं यहाँ गुजिया भी बनाई हूँ, कोहड़े की सब्ज़ी बनाई हूँ, अचार में डाली हूँ, सलाद डाली हूँ, दही डाली हूँ। तो इतने सारे मैं पकवान बनाई हूँ जिससे हमारे पितर खुश हों। और इस मौसम का क्या है दोस्तों कि चारों तरफ हरियाली रहती है, लगता तो है कि पितृ देवता धरती पे उतर आए हैं, क्योंकि हरियाली देख के ही समझ में आता है कि कोई तो बात है। तो ये एक साल की मान्यता है कि एक साल के बाद धरती पे ये हमारे पितृ देवता आते हैं। तो हमारे पूर्वज देखते हैं कि हमारे बच्चे और हमारे जो पोते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं, तो इसलिए हम सारी पकवान और उनका आदर सत्कार करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। जो हमें जितना भी आता है, जितना भी आपको आता है उतना करिए। बहुत सारी हरियालियाँ रहती हैं दोस्तों। ये जो हिंदी का महीना है उसको भादो के बाद में जो कुवार आता है उसको कुवार हम कहते हैं, और ये इंग्लिश में सितंबर का महीना कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी हरियालियाँ रहती हैं, और ऐसे लगता है कि कुछ तो बात है कि इतने सारे धान जो है लहलहा रहे हैं, अच्छे से सारे पौधे जो है खिले खिले हैं, सारे चिड़ियाँ जो है चहचहाती हुई हैं। तो ये महीना जो है बिल्कुल अच्छा है। इसके बाद हमें आ जाएगा नवरात्र, तो नवरात्र में भी हमारी हरियालियाँ ऐसे रहती हैं। तो पता चलता है कि हम इंसानों के हर एक कर्तव्य के बाद अच्छी चीज़ें आती हैं। तो नवरात्र इसके बाद आते हैं और हमारे देवता खुश होकर हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं, हम उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। तो हमने गुजिया देखिए बनाया है बहुत सारे, मैंने इसका वीडियो पहले डाल रखा है तो आप गुजिया देख सकते हैं। लेकिन यहाँ बताने का ये मतलब है कि हम देखिए इस तरीका से कोई भी कसर नहीं रखते, जो अच्छे अच्छे चीज़ हम डाल के बनाते हैं, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते अपने पितरों के लिए, अच्छा से अच्छा, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं के हम वंशज हैं, तो हमें तो आदर करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप मरने के बाद उनका आदर करिए और जीते हुए आदर नहीं करिए। तो हमारे बुजुर्गों का हमें आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, और जीते जी करिए। तो मरने के बाद आप करके क्या करेंगे, तो मरने के बाद तो आप सोने पे सुहागा करते हैं। तो हरियालियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं, चारों तरफ से हरियाली छाई हुई है, और बहुत सारे बच्चे और चिड़िया, हम सब सारे परिवार खुश हैं, सभी कोई खुश रहते हैं। तो इस मौसम में हम जो है उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं और बहुत सारे खुश होने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि हम सारे पकवान बनाएं, सबसे पहले आप कौवे कुत्ते चींटी गऊ और पितृ देवता को भोजन निकाल के तब आप ब्राह्मणों को भोजन दीजिए, भोज कराइए, और उसके बाद उनका भोज कराने के बाद उनको दक्षिणा दीजिए, और आप दक्षिण दिशा में ही बैठ के उनको जहाँ तक हो सके तो आप भोजन कराने की कोशिश करिए। सबसे पहले ब्राह्मण आए तो उनका पैर धोइए, उनको पानी दीजिए पीने के लिए, और अपने पितरों के लिए दुआ करिए कि हे पितृ देवता, हम आपके निवर्तक हम ब्राह्मणों को भोज करा रहे हैं, और आप जो है हमारा भोज ग्रहण कीजिए। और वो जब भोज करके उठें तो उनको हाथ धुलवाइए और उनको कुछ द्रव दक्षिणा जो अभी आपके पास अवेलेबल हो वो चीज़ दीजिए, तो वो खुश होते हैं और खुश होके जाते हैं। सबसे है कि सब
ब्राह्मण जो है कोई भी हो, लेकिन अगर अपने अपने जैसे बुआ हैं और नंद हैं तो उनके बेटे सबसे बड़े ब्राह्मण होते हैं, यानी बहने जिसको कहा जाता है, जिसको बिहार में भगना कहा जाता है, तो वो सब सबसे मस्ट होते हैं। तो उनको आप सबसे पहले बुलाइए और उनको भोज कराइए, और अन्य ब्राह्मणों को भी करा सकते हैं, और जेंट्स में जेंट्स को कराइए, लेडीज़ में लेडीज़ को कराइए, और नहीं तो दोनों को आप कराइए, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, किसी को भी करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीका से आप पूरी पकवान बनाइए और सबको खिलाइए, और मिठाई पकवान बनाइए, जितना भी आपसे हो सके बाहर से भी मंगा के आप खिला सकते हैं, घर में भी कुछ बना सकते हैं, और अच्छे पूरे परिवार के साथ खाइए। तो दोस्तों इस प्रकार से पितरों को जो सबसे पहले भोजन कराते हैं और उसके बाद होम करते हैं, होम करने के बाद अपने थाली में से थोड़ा थोड़ा निकाल के उस होम वाले उस ब्राह्मण डालते हैं, और उसके बाद आप जब कोई भी परिवार अगर खाने बैठे तो थोड़ा थोड़ा अपने भोजन में से नीचे निकाल के और आचमनी करें, 3 बार या 5 बार आचमनी करके और पैर छू के भोजन करें, पितृदेवता के नाम से वहाँ गिरा दें। इस तरीका से भोजन भात आप करवाइए और अच्छी तरीका से उनका आशीर्वाद पाइए। और अंतिम दिन जब होता है दोस्तों, तो हम लोग आपके यहाँ क्या मान्यता है आप देख लीजिए, हम लोग तो क्या करते हैं उड़द की दाल से फिर हम बनाते हैं गुलगुले, यानी पकौड़े बनाते हैं जो उड़द की दाल के होते हैं, दही बड़े। तो ये इससे हम पितृदेवता को विदा करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, होम सकला होता है, और हम कुछ कुछ सूखा अनाज जो है दान करते हैं, छूते हैं, उसमें सारे होते हैं जिसको सिद्धा बोला जाता है। तो इस तरीका से आप पितरों का आदर करिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये नेनुआ का है, नेनुआ के पत्ते पर भी आप ये भोजन निकाल सकते हैं। अगर आपको न मिले कोहड़ा और न मिले केले के पत्ते तो आप इस नेनुआ के पत्ते में भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीका से दोस्तों आप खाइए और भोज जो है पितरों के लिए निकालिए और ब्राह्मणों को कराइए। तो बहुत सारे नियम है दोस्तों, आपके यहाँ कैसा नियम है आप देख लीजिए, आपके बूढ़े बुजुर्ग होंगे वो आपको बताएंगे। हमारे यहाँ जो नियम थे हमने यहाँ बता दिया है, और आप इस तरीका से भोज कराइए। मैंने ब्राह्मणों को भोजन करते हुए वीडियो नहीं ले पाया है, आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए। तो देखिए यार दोस्तों, तो हमारे पितृ जो है खुश होकर आशीर्वाद देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।